जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय चार का संपूर्ण सार करेंगे। अध्याय चार का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तावनम अहम वयम विवासन मनवे प्राहा मनोर इक्ष्वाक्वे पुरावेत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, फिर सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग की विद्या बहुत प्राचीन नहीं है, इसे एक परंपरा के रूप में महापुरुषों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। यह आत्मज्ञान धर्म और सत्य का मार्ग है, इसे अविनाशी कहा गया है क्योंकि यह ज्ञान हर काल में उपयोगी और सत्य रहता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजसयो विदुः स कालेने महता योग नष्ट परंतप। हे अर्जुन, इस प्रकार इस योग का ज्ञान राजाओं और ऋषियों ने परंपरा से प्राप्त किया है, समय के साथ इस महान योग का ज्ञान कमजोर हो गया। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि यह योग केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण मार्ग है। स एवायम मया तेध्या योग प्रोक्ता पुरातना भक्तों से में सखा चेती रहस्यम है एतात उत्तम। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं यह योग जो आज मैंने तुम्हें बताया वह केवल एक साधारण जानकारी नहीं है बल्कि यह गहरा और प्राचीन योग है। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा भी हो, इसलिए यह रहस्य तुम्हारे लिए विशेष है। अर्थात इस ज्ञान को समझना और अपनाना केवल उन लोगों के लिए संभव है जो कि सच्चे मेरे सच्चे भक्त हैं और जिन्होंने कृष्ण से सच्चा संबंध स्थापित किया है। अर्थात इस रहस्य का ज्ञान पाने के लिए भक्ति और मित्रता का विशेष स्थान है। अर्जुन वाच, अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवास्तव कथम एताद विजानियाम तदमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन कहते हैं हे भगवान, आपके जन्म तो अनंत है और विवस्वान को जन्म भी एक पुनर्जन्म है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ कि आपने सबसे पहले यह योग सूर्य से कहा था। अर्थात अर्जुन चाह रहे हैं कि उन्हें यह समझाया जाए कि कैसे कृष्ण का ज्ञान प्राचीन है और वह इस संसार में समय समय पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान उवाच, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी एव चार्जुना ताने अहम वेदा सर्वाणी न तवम वेत्या परंतपा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरे अनगिनत जन्म बीत चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं सभी जन्मों को जानता हूँ परंतु तुम नहीं जानते हो। अर्थात श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, उन्होंने कई जन्म लिए हैं जिनका ज्ञान केवल उन्हें ही है। अर्जुन जैसे मनुष्य अपने पुनर्जन्मों को नहीं जान पाते। अजोपि सनन व्य आत्मा भूतानम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभाव आत्मा माया या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरी आत्मा अविनाशी और मैं सभी जीवों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृति के अधीन होकर अपनी योग माया से संसार में अवतरित होता हूँ। अर्थात वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे हैं, उनका शरीर नश्वर नहीं है और वे हमेशा अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। फिर भी जब भी संसार में यह धर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता होती है तो भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया या दिव्य शक्ति के माध्यम से इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा मानम सृजामि अहम्। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि वे कब और क्यों अवतार लेते हैं। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। अर्थात जब भी संसार में अधर्म धर्म कमजोर होता है और अधर्म यानी कि अन्याय और पाप बढ़ता है तब मैं संसार में अवतरित होता हूँ। इस अवतार का उद्देश्य दोबारा धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना होता है। परितरणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कताम धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामी युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। अर्थात जब जब समाज में
असंतुलन होता है तब तब मैं अवतार लेकर संतुलन करूँगा। जन्मा कमिच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जो व्यक्ति उन्हें सत्यता से जानता है वह देह को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, बल्कि मेरे पास आता है, अर्थात केवल भगवान के दिव्य स्वरूप को समझने से ही इंसान जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। वीतराग भय क्रोध मन माया माम उपासन सरिता भव्यो ज्ञान तपसा पुता मद भवाम आगता। राग भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में स्थित होकर मेरी शरण में आकर अनेक लोगों ने ज्ञान के तप से शुद्ध होकर दिव्य अवस्था को प्राप्त किया है। अर्थात जो लोग भगवान के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण का जीवन जीते हैं वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर की शरण में जाकर मन को शुद्ध करके और अज्ञान से ऊपर उठकर ही हम अपने जीवन को परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये यथा माम परपादयन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वग्रह। जो भक्त जैसे मेरी शरण आते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से फल देता हूँ। ये अर्जुन, सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, अर्थात मैं सभी जीवों के प्रति उनके समर्पण के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में भौतिक सुख संपत्ति की कामना लेकर आता है तो भगवान उसे उसी के अनुसार आशीर्वाद देते हैं, और जो लोग आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की कामना से उनकी शरण लेते श्री कृष्ण उन्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं। काकशंताए कर्माणाम सिद्धिम यजंत ये हैं देवता क्षिपिरम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। जो लोग कर्मों की सफलता चाहते वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस मानव लोक में कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि शीघ्र मिलती है। अर्थात जो लोग भौतिक सुख संपत्ति और जल्दी फल की इच्छा रखते हैं वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हुए जानते हैं कि इन देवताओं की पूजा करने से उन्हें अपने कर्मों का फल जल्दी से प्राप्त हो सकता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणाकर्मा विभाग सह तस्य कर्तराम अपि माम विद्यम अक्रोतोरेम अव्ययम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की रचना की है, जो गुणों और कर्मों के विभाजन पर आधारित है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के गुण और उसके द्वारा किए गए कर्म के अनुसार समाज में उनका स्थान निर्धारित होता है। अर्थात भगवान ने इस सृष्टि की व्यवस्था को बनाया लेकिन स्वयं इसमें किसी प्रकार का कर्ता नहीं है। यह सृष्टि का स्वाभाविक नियम है जो अपने आप चलता है। नामाम कर्माणि लिपमन्ति नामे कर्म फलेश प्रहा इति माम यो विजानात कर्मा भीर्नश्य बध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म मुझ में लिप्त नहीं करते, न ही मुझ में कर्म फलों की कोई इच्छा है। जो व्यक्ति सोच को समझता है वह कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात व्यक्ति भी बिना फल की इच्छा से कर्म करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है तब वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्वरि अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वैव पूर्वावर्तनं कृतम्। श्री कृष्ण कहते हैं इस ज्ञान को जानकर प्राचीन लोगों ने भी मुक्ति चाहने वाले लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, अतः तुम भी उसी प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करो जैसा उन्होंने किया था। यह ज्ञान जो उन्होंने प्रदान किया कोई नया नहीं है, पहले भी जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते थे उन्होंने इसी ज्ञान के अनुसार अपने कर्मों का पालन किया और मुक्ति प्राप्त की। अर्जुन को समझाते हैं कि उसे भी इसी तरह अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए जैसे प्राचीन काल के ज्ञानी और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति करते थे। किम कर्मा किम अकर्मेति काव्यो अप्यस अत्रा तत्ते कर्मा पर्वाक्ष्यामि मोहिता यज ज्ञात्वा मोक्षसे सुभात। श्री कृष्ण कहते हैं क्या कर्म है और क्या है कर्म, इस बात से बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित होते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के विषय में बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। अर्थात कर्म और अकर्म को समझना आसान नहीं है, यहाँ तक कि ज्ञानी भी इस विषय में भ्रमित हो जाते हैं।
कर्म, कर्म का अर्थ है जो कार्य हम अपने कर्तव्यों के अनुसार करते हुए कर्म कहलाता है। यह हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से जुड़ा है। अकर्म का अर्थ है यह कोई ऐसा कार्य नहीं जिसमें हम कुछ न करें, बल्कि इसका अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें फल की इच्छा न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म और अकर्म के बीच अंतर बहुत ही छोटा सा है जिसे समझना मुश्किल है। कर्म का सही ज्ञान और समझ ही इंसान को मुक्ति की ओर ले जा सकता है। इस श्लोक के से हमें सीख मिलती है कि सही कर्म का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। कर्मणो है अपि बोधाय वयम् च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधाय वयम् गहना कर्मणो गति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म की जटिलता को समझा रहे हैं। कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति या स्वरूप बहुत मुश्किल है, गहरी है। कर्म का अर्थ है जो कर्म धर्म और कर्तव्य के अनुसार है। विकर्म का अर्थ है जो अधर्म के मार्ग पर हो, जो अनुचित हो, पापपूर्ण हो। अकर्म जिस कर्म में फल की इच्छा न हो, अर्थात कर्म के परिणाम को समझना आसान नहीं है। जीवन में हर कार्य के परिणाम होते हैं और उन परिणामों को समझना, उनके पीछे के उद्देश्य और असर को जानना बहुत ही कठिन है। इसलिए कर्म का सही ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इस श्लोक की सीख या इस श्लोक का संदेश यह है कि जीवन में केवल कर्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भी जानना जरूरी है कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है। कर्मण्य कर्माय पश्चेत कर्माणि च कर्माय स बुद्धिमान मनुष्यस्य स युक्तः कृत सन कर्मा कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और सभी प्रकार के कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म को देखना इसका अर्थ है जो व्यक्ति सभी कार्य करते हुए भी उसके फल की इच्छा से मुक्त रहता है, उसे अकर्म माना जाता है, क्योंकि वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में मुक्त रहता है। अकर्म में कर्म को देखना, जो व्यक्ति कुछ न करते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता, वह अकर्म में रहते हुए भी पाप का भागी बनता है। अकर्म अपने आप में एक कर्म बन जाता है, क्योंकि वह अपने धर्म और कर्तव्य से दूर हो जाता है। अर्थात कर्म और अकर्म का यह रहस्य समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है, वही सच्चा कर्म योगी है। यस्य सर्वेस्मार्बता काम संकल्पा वर्जितः ज्ञानाघनी दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधः। जिसके सभी कार्य कामना और संकल्प से रहित होते हैं, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो चुके हैं, बुद्धिमान लोग उसे पंडित कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को स्वार्थ इच्छाओं और फल की आकांक्षाओं से मुक्त होकर करता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है। उसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर शुद्ध हो जाते हैं, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य कर्म करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रः कर्मणे अभिपरिवृतोपि नैव किंचित करोति सः। जिसने कर्म को फल की इच्छा छोड़ दी है, जो सदा तृप्त है और जिसका कोई आश्रय नहीं है, वह व्यक्ति कर्मों में पूरी तरह लीन रहते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का महत्व बता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा छोड़कर संसार में रहते हुए कर्म करता है, तो वह कर्मों के बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता, उसे किसी प्रकार का पाप या पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उसका कर्म ज्ञान और संतुष्टि के आधार पर होता है, न कि लालच या इच्छा के आधार पर। निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्ता सर्वापरिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन नापनोति किल विषम। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में कोई इच्छा नहीं है, जिसने अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर लिया है, जिसने सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दिया है, वह केवल शरीर से कर्म करता है और उसे पाप का कोई फल नहीं मिलता। अर्थात जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, उसने अपने मन और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है, वह संसार की भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्म करता है, न कि फल या लाभ की आकांक्षा से।
ऐसे कर्म से कोई पाप नहीं लगता क्योंकि उसकी नियत शुद्ध होती है और वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदृश लाभा संतुष्टो दन्वादितो विमत्सर समासिद्व असिद्धौ च कृत्वापि न निवदते। जो व्यक्ति संयोग से प्राप्त हुए में संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख लाभ हानि से परे है, जो ईर्ष्या से मुक्त है और जो सफलता असफलता में समान भाव रखता है, वह कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। कर्म बंधन का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म उसके पुनर्जन्म या पाप पुण्य के चक्कर में नहीं फंसाते। वह कर्म योगी होते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। गत संशय मुक्त ज्ञान अवस्थित चेतस यगा या चत्र कर्म संग्रम परवीलियते। जिस व्यक्ति की आसक्ति चला गया है, जो मुक्ति है, जिसके चित ज्ञान में स्थिरता है और जो यज्ञ के उद्देश्य से कर्म करता है, उसके सभी कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आसक्ति से मुक्ति इसका अर्थ है व्यक्ति संसार के सुख दुख लाभ हानि से परे हो जाता है, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। मुक्ति का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो जीवन के बंधनों से मुक्त हो चुका है, पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ज्ञान में स्थिर चित इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो आत्मा और परमात्मा की सच्ची प्रकृति को समझता है और जानता है सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। यज्ञ के लिए कर्म करने वाला ऐसा व्यक्ति सभी कर्म भगवान को समर्पित करता है। वह अपना कर्म निस्वार्थ सेवा और त्याग से बिना किसी स्वार्थ के करता है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हावीर ब्रह्मा गणौ ब्रह्मान हुतम ब्रह्म मेव तेन गत्वयम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मा ही अर्पण है, ब्रह्मा ही आहुति है, ब्रह्मा ही अग्नि है और ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा में आहुति दी जाती है। जो व्यक्ति कर्म के माध्यम से हर जगह ब्रह्मा को देखता है, वह ब्रह्मा को ही प्राप्त करता है। ब्रह्मा ही अर्पण इसका अर्थ है जो भी वस्तु या सेवा त्याग या निस्वार्थ कर्म के रूप में अर्पित की जाती है, वह ब्रह्मा अर्थात परमात्मा है। व्यक्ति जो कुछ भी देता है, वह उसे यह समझकर अर्पित कर देता है कि वह ब्रह्मा से उत्पन्न है और ब्रह्मा को ही समर्पित कर रहा हूँ। ब्रह्मा ही आहुति है इसका अर्थ है आहुति वह वस्तु या वस्तुओं यज्ञ में अर्पित की जाती हैं, जो वस्तुएं यज्ञ में अर्पित की जाती हैं उसे ही ब्रह्मा माना गया है। अर्थात सृष्टि की हर वस्तु ब्रह्मा का ही रूप है, हम जो अर्पित कर रहे हैं वह ब्रह्मा की ही देन है। अग्नि ब्रह्मा है, यज्ञ में जिस यज्ञ में आहुति दी जाती है वह भी ब्रह्मा, अर्थात कर्म के दौरान जो भी घटित होता है वह सब ब्रह्मा का ही स्वरूप है। ब्रह्मा द्वारा हवन किया जाता है इस शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति यज्ञ या त्याग करता है वह भी ब्रह्मा ही है, उसका कार्य भी ब्रह्मा के माध्यम से ही होता है। देवम एवा पारे यज्ञम योगी न पर्युपास्ते ब्रह्म गणाव आप्रे यज्ञम यज्ञेन एवो पूजहवती। कुछ योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं जबकि कुछ अन्य योगी ब्रह्मा को यज्ञी अग्नि में आत्मयज्ञ करते हैं, अर्थात कुछ योगी अपनी साधना के रूप में देवताओं की पूजा करते और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ भौतिक जगत के फल प्राप्त करने या आशीर्वाद पाने के लिए होता है। इस प्रकार योगी अपने मन इंद्रियों और आत्मा को ब्रह्मा में अर्पित करते हैं, यह आत्म समर्पण योग है। सरोतरादिव इंद्रियाण ने संयम मानिशो जुहुवती शब्दादीन विषयनन्या इंद्रिया गणिशु जुहुवती। कुछ लोग श्रवण और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में समर्पित करते हैं, अर्थात कुछ लोग अपने कान आँख त्वचा आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी इंद्रियों को अनुशासन में रखते हैं, इसे इंद्रिय संयम कहा जाता है। जबकि अन्य लोग शब्द और अन्य इंद्रियों विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में होम करते हैं, अर्थात ध्वनि रूप गंध आदि इंद्रिय विषयों का त्याग कर देते हैं। वे अपनी इंद्रियों के माध्यम से इन विषयों के अनुभव करते हैं पर उन पर कोई इच्छा नहीं करते, इन विषयों से स्वयं को परे रखते हैं, इन विषयों का कोई महत्व नहीं देते। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि आत्म संयम और इंद्रिय नियंत्रण भी यज्ञ के ही रूप है। कोई व्यक्ति या तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है या इंद्रिय विषयों से मुक्त रह सकता है।
सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगा गुणौ जुवति ज्ञान दीपते। अन्य लोग सभी इंद्रियों के कार्यों और प्राण के कार्यों को आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में अर्पित करते हैं, जो ज्ञान से प्रज्वलित होती है। अर्थात कुछ लोग अपनी सभी इंद्रियों जैसे देखने, सुनने, स्पर्श करने और प्राण या जीवन शक्ति के सभी कार्यों को नियंत्रित करते ताकि वे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सके। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग नव जुवती ज्ञान दीपते। अन्य लोग सभी इंद्रियों के कार्यों और प्राण के कार्यों को आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में अर्पित करते हैं, जो ज्ञान से प्रज्वलित होती है। अर्थात अन्य लोग अपनी इंद्रियों और प्राणों के सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और इंद्रियों से परे जाकर आत्मा का अनुभव करता है। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की बजाय आत्म संयम और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगता है। दर्व्या यगास्त पोएगा योगा यगास्त तथा परे सव अध्याय ज्ञान यगानश्च यथ संसिता वर्तवा। कुछ लोग अपने धन का यज्ञ करते हैं, कुछ कठोर तपस्या का यज्ञ करते हैं, कुछ योग का अभ्यास करते हैं और कुछ शस्त्रों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति को यज्ञ मानते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले दृढ़ संकल्प और नियमों का पालन करने वाले होते हैं। धन का यज्ञ या बलिदान का अर्थ है कुछ लोग अपनी संपत्ति का दान कर देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और परोपकार में लगे रहते हैं। और तपस्या का बलिदान का अर्थ है कुछ लोग शारीरिक और मानसिक तपस्या करते हैं, जैसे उपवास, ध्यान, कठिन साधना आदि। योग का यज्ञ का अर्थ है योग का अभ्यास व्यक्ति को आत्म चेतना से जोड़ता है और उसकी आत्मा का विकास करता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में यज्ञ या बलिदान कई प्रकार से किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने धन का दान कर सकता है, कठोर तपस्या कर सकता है, योग साधना कर सकता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए सब अध्याय कर सकता है। इन सभी यज्ञों में से एक बात समान होती है, वे सभी दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाले होते हैं। अपाने जुवति प्राणम प्राणे वनम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्राणायाह अपरे नियता हारा प्राण प्राणेशु जुवति। कुछ लोग अपनी जीवन शक्ति को अपान में अर्पित करते हैं, जबकि अन्य अपान को प्राण में अर्पित करते हैं। कुछ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और कुछ नियत आहार का पालन करते हुए अपने प्राणों को अन्य प्राणों में अर्पित करते हैं। यहाँ प्राण का अपान में बलिदान का अर्थ है वे अपने सांसों के नियंत्रण के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ध्यान और प्राणायाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपान का प्राणायाम में बलिदान उन व्यक्तियों से है जो अपने बाहर जाने वाली सांस को वापस अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं। यह ऊर्जा के प्रवाह को समझने और उसे संतुलित करने का तरीका है। प्राणायाम का अभ्यास इस शब्द का अर्थ है। प्राणायाम एक यौगिक प्रक्रिया है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। नियत आहार और आत्म नियंत्रण का अर्थ है वे अपने खाने पीने की आदतों को नियंत्रित करते हैं। अन्य प्राणों में बलिदान से अर्थ है यह आत्म सेवा और सभी जीवों के बीच आपसी संबंध को दर्शाता है। अर्थात आध्यात्मिकता केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होती है। सर्वे पयते यगाविदो यत् शापिता कल्माशः यज्ञ शिष्टो मृत पुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सभी यज्ञ करने वाले जिनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं यज्ञ के बचे हुए अमृत रूपी यज्ञ को ग्रहण करते हैं और वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह बताना चाहते हैं कि यज्ञ या त्याग के माध्यम से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। यज्ञ या त्याग करने के बाद जो शेष बचता है उसे ग्रहण करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है, जिसे यहाँ अमृत कहा गया है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना ही नहीं बल्कि हर वह कार्य जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जैसे परोपकार, ध्यान, ज्ञान का आदान प्रदान और सेवा।
ऐसे निस्वार्थ कर्म करने वाले व्यक्ति अंत में परमात्मा या ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक से संदेश यह है, निस्वार्थ कर्म और यज्ञ यानी त्याग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। नायम लोको सत्य यज्ञस्य कुतो नह कुरुतो सम। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता उसे इस लोक में कोई सुख प्राप्त नहीं होता, फिर दूसरे लोक की बात कैसे की जा सकती है। अर्थात यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं और धर्म समाज के लिए कुछ भी नहीं करते तो हमारा जीवन अधूरा रहता है। बिना यज्ञ या त्याग के व्यक्ति ना तो यहाँ शांति पा सकता और न ही अगले जीवन में। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणे मुखे कर्म जन विधि तान सखान एवं ज्ञातवा विमोक्षेसे। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा के मुख से प्रकट होते हैं। ये जान लो कि ये सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं, इन्हें जानकर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। श्रेयान द्रव्य माया मयाद यजा ज्ञान यज परंतप सर्वम करा कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, भौतिक वस्तुओं से किए गए यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही है। अर्थात भौतिक वस्तुओं से किए गए यज्ञ जैसे धन आन या अन्य वस्तुओं का दान देना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान का अर्जन और बांटना। सभी कर्म चाहे वह छोटे हो या बड़े हो अंत में ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। ज्ञान वह प्रकाश है जो व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्त करता है। ज्ञान का यज्ञ सबसे ऊंचा है, क्योंकि ज्ञान ही वह साधन है जो सभी कर्मों को पूर्ण करता है। इस श्लोक का संदेश, जीवन में भौतिक साधनों से बढ़कर ज्ञान का महत्व है। सही ज्ञान से व्यक्ति सभी समस्याओं का समाधान पा सकता है। तद्विधि प्राणी पातेन परिप्रसन्नय सेवसा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका सिखा रहे हैं। उस सत्य को तुम गुरु के पास जाकर जानो, उनसे विनम्रता से प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। जो ज्ञान पारंगत और सत्य है का साक्षात कर चुके हैं वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। अर्थात गुरु के सामने अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण नम्रता और समर्पण के साथ जाते हो तभी ज्ञान प्राप्त होता है। जब तुम गुरु से गहराई से और श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछते हो तब तुम सभी सत्य खोज लेते हो, तभी हमें सही उत्तर मिलते हैं। केवल प्रश्न पूछना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुरु की सेवा और समर्पण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का सीख, सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के प्रति समर्पित होकर सेवा और विनम्रता से उनसे सीखने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एव यास्यसि पांडव येन भूतानेन शेषाणि द्रक्ष्यसेत्मने यथोमयि। हे अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे और इस ज्ञान के द्वारा तुम समस्त प्राणियों को अपने आत्मा में तथा मुझ में देखोगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, सच्चे ज्ञान से न केवल मोह या भ्रम का अंत होता है बल्कि व्यक्ति को अनुभव होता है कि सभी प्राणी एक ही आत्मा के अंग हैं जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को सब में एक ही आत्मा और ईश्वर का अनुभव होता है और उसकी दृष्टि व्यापक और दिव्य हो जाती है। अपि चेत्सी पापे भयम् सर्वे भयम् पाप कृतम् सर्वम् ज्ञाना पल्वे नैव वर्जिनम् संत प्रीषयति। यदि तुम सबसे बड़े पापियों में से भी सबसे अधिक पाप करने वाले हो तब भी तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से पार हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर सकता है, चाहे वह कितना बड़ा पापी क्यों न हो। ज्ञान वह साधन है जो अज्ञानता और पाप के अंधकारों से व्यक्ति को उबार कर उसे सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। यथि धामसि समिदो गणिर भस्मास्त करुते अर्जुना ज्ञान अग्निय सर्व कर्माणि भस्मात करुते तथा। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थात ज्ञान का महत्व
इतना महान है कि सभी कर्मों के परिणामों को समाप्त कर देता है। ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त हो सकता है बल्कि अपने समस्त कर्मों के बंधन से भी मुक्ति पा सकता है। ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इहा विदते तत् स्वयं योग समीक्षित कालेन आत्मनि विद्यन्ति। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति योग के द्वारा सिद्ध हो चुका है वह स्वयं समय के साथ ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त कर सकता है। अर्थात संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई शुद्ध करने वाला नहीं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करती है। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्पर सम्यतेन्द्रिय ज्ञानम लभुआ परम शांतिम चिरनेदाद गच्छन्ति। भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा समर्पण और इंद्रियों के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, श्रद्धावान समर्पित और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा समर्पण और इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। जब व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है तो वह ज्ञान के मार्ग पर बढ़ता है और अंत में परम शांति को प्राप्त करता है। यकश्च श्रद्धानश्च संस्यात्मा विनाशयति नायम लोको अस्ति न परों सुखम संस्यात्मनः। जो अज्ञानी और श्रद्धाहीन है वह संदेह करने वाला होता है और वह धन उसका धन नष्ट हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए न इस लोक में सुख है न ही परलोक में। संदेह करने वाले को न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में कोई सुख मिलता है। अर्थात जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है जिनके अंदर श्रद्धा या विश्वास की कमी है वे संदेह में जीते हैं। यह संदेह उनकी प्रगति और विकास में बाधा डालता है क्योंकि संदेह में गिरा व्यक्ति सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है और संदेह और अज्ञानता व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाते हैं। योग सन्य अस्त कर्माणम ज्ञान संयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनम अंति धनंजय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने योग के द्वारा अपने कर्मों का त्याग किया है, कहते हैं जिसने जिसका ज्ञान के द्वारा संदेह समाप्त हो चुका है और जो आत्मनियंत्रित है उसे कर्म बंधनों में नहीं बांधते। यहाँ योग का अर्थ है ध्यान और आत्मनियंत्रण का ज्ञान, सही समय और विवेक। आत्मनियंत्रित वह व्यक्ति जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। तस्माद् ज्ञानसंभूतम् हतस्तम् ज्ञानसिना चित्वेनम् संशयम् योगम् अतिष्ठातिष्ठ भारत। इसलिए है अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न जो संशय तुम्हारे हृदय में स्थित है उसे आत्मज्ञान की तलवार से काट डालो और योग में स्थिर हो जाओ। उठो, अज्ञान से उत्पन्न जो संशय तुम्हारे हृदय में है उसे आत्मज्ञान की तलवार से काट कर समाप्त करो। जब तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा तब तुम योग में स्थिर होकर अपने कर्मों को सही ढंग से कर पाओगे। अतः उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी के साथ हमारा अध्याय 4 समाप्त होता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।